हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन। वेलकम यू ऑल हेयर फ्रेंड्स। आज है 20th मार्च 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की। पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग सावंत गवर्नमेंट टू फेस फ्लोर टेस्ट टुडे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि गोवा के जो CM थे मनोहर पारिकर, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में अब वहाँ के जो न्यू CM होंगे वो होंगे प्रमोद सावंत, और ये गोवा असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो गोवा की जो गवर्नर है मृदुला सिन्हा, उन्होंने वेडनसडे को असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है जिसमें BJP लेड कोलिशन गवर्नमेंट को फ्लोर टेस्ट फेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो फ्लोर टेस्ट के अंदर टिपिकली जो पार्टीज़ होती हैं उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, और इसके पीछे जो पर्पस होता है वो ये जानना होता है कि जो पार्टी रूल करना चाहती हैं क्या वो वहाँ के लोगों को एक स्टेबल और कंसिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं 5 ईयर्स के लिए, राइट। इसके अलावा जो इनक्यूबेंट गवर्नमेंट होती हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं यानी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, वो उनसे प्रूफ मांग सकते हैं मेजॉरिटी का। अगर उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी है वो डाउटफुल है, तो उस टाइम पर भी फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 3 पर है, और इसमें बात की गई है हाई कोर्ट स्टेज MP गवर्नमेंट्स 27% OBC कोटा ऑर्डिनेंस। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने MP गवर्नमेंट के उस ऑर्डिनेंस पर इंटरीम ऑर्डर से स्टे लगा दिया है, जिसमें वहां की गवर्नमेंट ने OBC कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन कोटा था उसको 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, राइट। तो फ्रेंड्स, वहां की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने 8 मार्च को एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसमें OBC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन जो था 27% तक बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे यानी इसकी अगेंस्ट में हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई, और पिटीशनर्स थे अशिता दुबे, ऋचा पांडे और सुमन। ये सारे के सारे MBBS स्टूडेंट्स थे जो नीट 2019 में अपीयर हुए थे एडमिशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया इन ग्राउंड्स पर कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसका वायलेशन करता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कोटा जो है वो उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है, वो है 50% कैप, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो यूनियन लेवल पे हो। तो 50% कैप से ऊपर कोटा लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कोटा लिमिट है वो 63% तक पहुँच गई है, और इसी को बोला गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, और इसीलिए हाई कोर्ट ने MP गवर्नमेंट के इस ऑर्डिनेंस पर स्टे लगा दिया है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है, और इसमें बात की गई है पिनाकी चंद्र घोष अपॉइंटेड फर्स्ट लोकपाल। तो फ्रेंड्स, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो हमारी कंट्री के पहले लोकपाल बन गए हैं, राइट। और इनके साथ में 8 अदर मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट हुई है, और इनको अपॉइंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने, राइट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 5 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 4 इसके अंदर नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। तो इसमें जो अदर 4 जुडिशियल मेंबर्स हैं वो हैं जस्टिस दिलीप बी भोसले, PK मोहंती, अभिलाषा कुमारी और AK त्रिपाठी। और जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं वो हैं दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामा सुंदरम, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो फ्रेंड्स, जस्टिस घोष की अपॉइंटमेंट 5 ईयर्स के बाद में हुई है जब लोकपाल एक्ट बनाया गया, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो 2011 के आसपास अन्ना हजारे का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में लोकपाल एक्ट 2013 को पास किया गया, और अभी लोकपाल जो है हमारे फर्स्ट लोकपाल यानी पिनाकी चंद्र घोष जो है हमारे फर्स्ट लोकपाल है, इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, लोकपाल के अलावा जो अदर मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं, और इसके अंदर फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 7 पर ही है, और इसमें बात की गई है GOMs ऑन लिंचिंग हैरेसमेंट ऑन होल्ड। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया था लिंचिंग और हैरेसमेंट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में सजेशन देने के लिए, लेकिन अभी इसको होल्ड पर डाल दिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 10 मार्च को हमारे जनरल इलेक्शन जो थे वो अनाउंस किए गए, जिसके तुरंत बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं दोनों के दोनों, यानी 2 जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो अभी होल्ड पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आती है, तब तक ये अपनी सजेशंस नहीं दे सकते हैं और ना ही उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने अक्टूबर लास्ट ईयर में 4 मेंबर GOM को अपॉइंट किया था 3 महीने के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए।
तो ये जो GOM कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इनको हेड कर रहे थे हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इसमें यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी थे, मेनका गांधी और निर्मला सीतारमण भी थे, राइट। तो फ्रेंड्स GOM का मतलब ये होता है कि जो कैबिनेट होती है वो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट को अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और कैबिनेट को अगर वो सही लगती हैं तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इसीलिए दो GOMs को सेटअप किया गया था, एक लिंचिंग के ऊपर और दूसरा सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वुमेन के साथ में वर्क प्लेस पर होता है उसके लिए। तो फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इन्होंने अपने इनपुट जो थे जनवरी में सबमिट कर दिए थे, लेकिन अभी इसकी जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज करना बाकी है। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लिंचिंग के केसेस हुए थे, तो कैसे वो लिंचिंग के केस को रोका जा सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने GOM को अनाउंस किया था और इसको हेड कर रहे थे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो GOM है इनको अपनी रिकमेंडेशंस को प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करना होगा कि किस तरीके से जो क्राइम होते हैं इनको रोका जा सकता है। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी जिसको हेड कर रहे थे यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव गौबा, उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट कर दिया था, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को फाइनलाइज करना अभी बाकी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए। सजेशंस में क्या था कि इंडियन पेनल कोड और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ क्लॉज जो है वो इंसर्ट करने पड़ेंगे जिससे कि लॉ को और ज्यादा टाइट किया जा सके। कुछ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन भी यहाँ पे सजेस्ट किए गए, जैसे कि जो डाटा होता है इंडियन सिटीजन्स का पर्सनल डाटा वो इंडिया में जो सेंटर्स लोकेटेड हैं वहीं पर प्रोसेस्ड हों, और अगर प्रोसेसिंग में कोई भी वायलेशन पाया जाता है तो उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है कि दो GOM को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लास्ट 2018 में, और इसको हेड कर रहे थे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 24 अक्टूबर और है 23 जुलाई। तो 24 अक्टूबर को जो GOM कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इसका मेन फोकस एरिया था कि जो वर्क प्लेसेस पर वुमेन के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और 23 जुलाई को जो GOM कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसका मेन फोकस एरिया था कि किस तरीके से जो लिंचिंग जैसे केसेस होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दोनों ही जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनको फाइनलाइज करना अभी बाकी है, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है, और इसमें बात की गई है इंडिया रीचेज आउट टू मोजाम्बिक। तो फ्रेंड्स अफ्रीका का एक कंट्री है मोजाम्बिक, वहाँ पे एक बहुत ही डिवास्टेटेड ट्रॉपिकल साइक्लोन आया जिसका नाम था इदाई, राइट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का और लाइफ का नुकसान देखने को मिला, इसीलिए हमारे जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है वहाँ के लोकल ऑफिशियल के कोऑर्डिनेट करने के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR, जिसमें 5000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि ये मोजाम्बिक की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। तो ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये वाला जो है यहाँ पर है मोजाम्बिक, राइट। मोजाम्बिक को यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कट करती है, और ये हमारा है मेडागास्कर, और इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में हमारा मोजाम्बिक चैनल, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 7 पर ही है, और इसमें बात की गई है एपेक्स कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सटेंड करते हुए ये बोला है कि जो सेल्फ डिफेंस है वो सिर्फ अपनी बॉडी की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर आप दूसरे पर्सन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को भी सेव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये केस क्या था, एक्चुअली सुकुमारन जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे उन्होंने एक स्मगलर को शूट कर दिया था, क्योंकि वो जो स्मगलर था उससे उनकी लाइफ को और उनके ड्राइवर की लाइफ को थ्रेट था, इसीलिए उसको शूट कर दिया था। तो ट्रायल कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने 5 ईयर्स तक कम कर दिया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो सुकुमारन थे वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने ड्राइवर की लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सेल्फ डिफेंस का केस बनता है, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 10 पर है, और इसमें बात की गई है US रिपोर्ट फ्लैग्स कर्ब्स ऑन इंडियन मीडिया। तो फ्रेंड्स US की एनुअली एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसको ह्यूमन राइट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अभी 2018 की ह्यूमन राइट रिपोर्ट को US कांग्रेस ने US की पार्लियामेंट में रिलीज किया गया, तो इसमें इंडिया के बहुत सारे इश्यूज को कवर किया गया है। तो इसके अंदर मीडिया फ्रीडम, फोर्स डिसअपियरेंस,
कस्टोडियल डेथ्स, एनजीओ क्लैम्पडाउन, इनको शामिल किया गया है। और एनजीओ क्लैम्पडाउन जो था ये एक इशू बन गया था यूएस और इंडिया के बीच में, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 एनजीओस को लाइसेंस देने से मना कर दिया था, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था और इनको फंडिंग मिलती थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन क्यों इम्पोज किए थे कि गवर्नमेंट का मानना ये था कि इन एनजीओस को जो फंडिंग मिलती है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, इसीलिए इनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया। इसके अलावा जो कस्टोडियल डेथ होती हैं उसके ऊपर भी इस रिपोर्ट में बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि अगस्त 2017 से फरवरी 2018 के बीच में लगभग 1674 केसेस आए हैं कस्टोडियल डेथ के, जिनमें से 1530 जो हैं वो जुडिशियल कस्टडी में हुई हैं और इसमें से 144 जो हैं वो पुलिस कस्टडी में डेथ हुई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन भी है जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी अपैरेटस के रोल के बारे में बात की गई है। तो इसमें बात की गई है कि यहाँ की जो पुलिस है उसको अंडरपेड किया जाता है, ओवरवर्क करवाया जाता है और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ केसेस में यहाँ पे करप्शन भी देखने को मिला है, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में प्रेस फ्रीडम के बारे में बात की गई है और जो जर्नलिस्ट सेफ्टी है उसके बारे में बात की गई है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें जर्नलिस्ट और जो मीडिया के मेंबर हैं उनको थ्रेट किया गया है, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी कर दी हैं क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक इशू पर रिपोर्टिंग की थी। इसके अलावा पुलिस जो है वो रेयरली आइडेंटिफाई कर पाती है जो इन जर्नलिस्टिक किलिंग्स में शामिल हैं। तो इसमें 2017 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट को देखा गया जिसमें ये बात की गई कि 1990 से लगभग 80 जर्नलिस्ट की हत्याएं हुई हैं जिसमें से सिर्फ एक केस ही सॉल्व हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट पे 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी कोट किया है जिसमें ये बात बोली है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग और जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक होते हैं ये एक मेजर इशू रहा है, राइट। अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 12 पर है और इसमें बात की गई है नेक्स्ट दलाई लामा कुड बी फ्रॉम इंडिया मॉन्ग। तो फ्रेंड्स, चाइना ने उस एजर्शन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें दलाई लामा ने ये बात बोली थी कि उनका जो सक्सेसर है यानी जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वो इंडिया से होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जो अभी 14 दलाई लामा हैं वो इंडिया में रह रहे हैं सिंस 1959, यानी 1959 में तिब्बत से भागकर इंडिया में आ गए थे और तब से यहीं पर रह रहे हैं। तो जो दलाई लामा हैं उनका कहना ये है कि बीजिंग के लिए ये बहुत ही चिंता वाली बात है कि उनका जो सक्सेसर है वो कौन होगा, इन दलाई लामा नेक्स्ट कौन होगा। तो उनका कहना ये है कि फ्यूचर में आप दो दलाई लामा देख सकते हैं, एक इंडिया से होगा और एक चाइना से होगा जिसको चाइनीज कंट्री खुद चूज़ करेगी, और उस टाइम पर जो चाइना चूज़ करेगा उसको ना तो कोई ट्रस्ट करेगा और ना ही कोई उसकी रेस्पेक्ट करेगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर सामने आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना कि दलाई लामा का मतलब क्या होता है और ये कौन है। तो फ्रेंड्स, ये टाइटल है ये तिब्बतन पीपल अपने उस फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर को देते हैं जो कि येलोग या फिर येलो हार्ट स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। ये इनके फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। तो अभी जो 14 दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिन गायत्सो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो नाम है इसका मतलब होता है तिब्बतन में मास्टर या फिर गुरु। तो 17th सेंचुरी के बीच में या फिर कह सकते हैं 1959 में दलाई लामा जो थे वो तिब्बतन गवर्नमेंट के हेड हुआ करते थे। तो विंटर के दौरान दलाई लामा पोटाला पैलेस में रहते थे और समर में ये नेबुलिंगका पैलेस में रहते थे, और दोनों ही जगह जो है ये लासा में है और लासा कहाँ पर है, तिब्बत में है। लेकिन 1959 में दलाई लामा जो थे ये भागकर इंडिया आ गए, इंडिया में धर्मशाला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और तब से वो लगातार यहीं पर रह रहे हैं। 13 दलाई लामा जो थे उनका नाम था तिब्बतन गायत्सो, और इन्होंने कंट्री से सारे के सारे चाइनीज सिविलियन को एक्सपेल कर दिया था और उन्होंने तिब्बत को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे कि वहां पे जो एक्सेसिव डिमांड सी पीजेंट्स थी उनको कर्व किया गया, टैक्स इवेजन जो होते थे नोबेल से थ्रू उसको कर्व किया गया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स सेटअप की गई, डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया गया, सेकुलर एजुकेशन को एक्सटेंड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस थे पूरी सिटी के अंदर उसको एक्सटेंड किया गया, उनको बनाया गया। इसके बाद में जो 13th दलाई लामा थे तिब्बतन गायत्सो उनकी डेथ हो गई 1933 में, राइट। इसके बाद जो 14 दलाई लामा थे उनको फॉर्मली एनथ्रोन नहीं किया गया 17th नवंबर 1950 तक, क्योंकि उस टाइम पर तिब्बत के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इन्वेजन चल रहा था, तो इससे उनकी लाइफ को थ्रेट था, इसीलिए वो भागकर इंडिया आ गए और यहां से उन्होंने अपना गोरिल्ला ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया। और इनका जो मेन एम था वो था तिब्बत को इंडिपेंडेंस दिलवाना, लेकिन 1980s के बाद में ये वहाँ के लिए हाई लेवल ऑटोनॉमी ढूंढने लगे। तो अभी इनका कहना ये है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो इंडिया से होगा, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 18 पर है और इसमें बात की गई है इन अ फर्स्ट विमेन बैग्स एबल प्राइज फॉर मैथ्स। सो फ्रेंड्स, ट्यूजडे को मैथमेटिक्स के अंदर एबल प्राइज दिए गए और ये अवार्ड दिया गया है कारी उलेन बैग जो कि यूएस की हैं,
उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट विमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है. और ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वर्क किया था. तो फ्रेंड्स, जब मैथमेटिक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया जाता है तो उस टाइम पर एबल प्राइज दिया जाता है, राइट. तो ये जो प्राइज़ है इसके साथ में चेक भी दिया गया है उनको $7,03,000 का, राइट. तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जाना ज़रूरी है कि एबल प्राइज़ क्या है. तो फ्रेंड्स, एबल प्राइज़ जो है ये एक नॉर्वियन प्राइज़ है जो एनुअली अवार्ड किया जाता है नॉर्वे के किंग के थ्रू. ये किसी एक पर्सन को दिया जा सकता है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं अगर उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग वर्क किया है. तो ये जो नाम दिया गया है एबल प्राइज़, ये नाम दिया गया है नॉर्वियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम के ऊपर और इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है. इसके साथ ही मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया जाता है 6 मिलियन नॉर्वेन क्रोनर का, यानी कि लगभग $7,00,000 का, राइट. अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर 18 पर ही है और इसमें बात की गई है हनी एज अ पॉल्यूशन डिटेक्टर, इट्स अ स्वीट आइडिया. तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ट्री की रिंग्स साइंटिस्ट को ये बताने में हेल्प करती है कि जो ट्री था वो किस टाइम पर यंग था, इसके अलावा लिचन ये हेल्प करता है कि लोकल एयर पोल्यूशन लेवल क्या है, इस तरीके से साइंटिस्ट का मानना ये है कि हनी के अंदर भी मैसेज छिपा होता है. तो जो अर्बन बी हाइव्स हैं उनके ऊपर सर्वे किया गया और उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और इसमें बताया गया कि जो हाइव्स हनी हैं उसके अंदर माइन्यूट लेवल ऑफ लेड होता है और स्पेशली उन हाइव्स के अंदर जो डाउनटाउन होते हैं या जो पोर्ट सिटीज़ के आसपास होते हैं वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है. तो रीडिंग ये सजेस्ट करती हैं कि जो हनी है वो ये हेल्प कर सकता है ये जानने में कि एयर की क्वालिटी क्या है, यानी कि ये एक इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, राइट. तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पूछ सकते हैं. जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे. आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection. आप अपना डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com. आप अपना डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com. तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.